सिर को और उन्हीं भुजाओं को सियार खा रहे हैं, जम्बुक माने सियार। राम से आप विमुख थे, राम से द्रोह किए, इसलिए यह अनुचित नहीं है, ठीक हुआ है। वे शोक में हैं, पति के लिए शोक कर रही हैं, लेकिन कहती हैं कि ठीक किया ईश्वर ने, ठीक आपको दंड दिया। कोई स्त्री ऐसे कहेगी नहीं, लेकिन लावण की स्त्रियां कह रही हैं कि वैसे ऐसा था ही कि उसकी जो गति हुई लंका के मैदान में, राम विमुख अस अनुचित ना है, यह अनुचित नहीं है, बिल्कुल उचित है, ठीक है। तो जब स्त्रियां अपनी ऐसी कहती हैं तो दुनिया क्या कहती होगी और लोग क्या कहते होंगे, पर रावण किसी की बात सुना नहीं, तो मरने के बाद भी उसकी स्त्रियां उसको गाली दे रहे हैं। मंदोदरी ने कहा था कि तुम सीता को लाए हो, सीता तुम्हारे लिए काल है, तुम मरोगे सीता के कारण, तुम्हें मारा जाएगा, तुम राम को नहीं जानते हो कौन है। राम काल के भी काल हैं, इस जगत के ईश्वर हैं, उनको मनुष्य मत समझो। तो रावण क्या कहता है, ये नारियों का स्वभाव है इतना भय करना, तुम डरती क्यों हो, साहस अनिर्थ चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, ये दोष वर्णन कर रहा है। नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं अवगुण आठ सदा उड़ रहे, ये बोल रहा है। ये भय करना, कांपना इस तरह से तुमको शोभा नहीं देता, तुम किसकी पत्नी हो ये जरा ध्यान रख, तुम रावण राजा की पत्नी हो, तो तुमको भय नहीं करना चाहिए, क्या करेगा हमारा वो। और बेचारी चुपचाप रह जाती थी, बार बार समझाती थी। जब भगवान लंका में आ गए तब फिर मिली रावण से, जिस समय युद्ध भूमि में वो जा रहा था उस समय लगी समझाने। वो पतिव्रता स्त्री थी, समझा रही है कि मेरा अहिवात, मेरा सौभाग्य अचल रखिए, आपसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन हमेशा कहता था ये बेकार, तुम डरती हो इस तरह से। और गया लंका के मैदान में, 18 दिन युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध भी 18 दिन हुआ था, हुआ, और ये युद्ध भी 18 दिन, 18वें दिन रावण मारा गया, 31 बाण भगवान ने छोड़ा, धराशायी हो गए, भुजा कट गई, सिर 10 कट गए, नाभि में लगा अग्नि बाण, धराशायी। तो यह मैं कह रहा था कि भगवान जो उद्देश्य लेकर के आते हैं उसे पूरा कर ही देते हैं। ऐसी शक्ति किसी मनुष्य में, किसी देवता में नहीं है। देवता लोग तो हाहाकार करने लगते हैं, कोई एक असुर चढ़ बैठता है, घेर लेता है, तो अब भगवान अवतार लीजिए, आइए आइए, अब हमसे नहीं संभल पाएगा, तो ब्रह्मा जी से कहते हैं। अब ब्रह्मा जी भी प्रार्थना के अलावा और क्या कर सकते हैं, ब्रह्मा जी तो कभी युद्ध नहीं करते हैं, केवल वेद लेकर पढ़ते रहते हैं, तो उनसे कह करके क्या करेंगे। तो वे कहते हैं, शिव जी को फोन करते हैं कि आप आइए और चलिए अब क्षीर सागर के तट पर, प्रभु से कहा जाए, भगवान से कहा जाए, वही संभालेंगे। तो पृथ्वी को, देवताओं को, सबको लेकर के वे जाते हैं क्षीर सागर के तट, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आते हैं। आते हैं तो अनेक योजनाएं, प्लान लेकर के आते हैं, और मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो उसका कोई प्लान नहीं होता है, वो तो जानता भी नहीं कि मैं कहाँ जन्म ले रहा हूं। एक व्यक्ति कह रहा था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या क्या करके रोता है, तो यही भाव है कि कहाँ आ गया, जो ये तो भावुकता है कहना, लेकिन वास्तव में बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता कि मैं कहाँ जन्म लिया हूँ, कौन मेरी माँ है, माँ का क्या अर्थ है, पिता कौन है, कुछ पता नहीं। धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा होता है तो वो सिखाया जाता है, माँ सिखाती है या और लोग सिखाते हैं, परिचय बताने के, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो रटता है धीरे धीरे, माँ का नाम तो प्रायः नहीं ही बोला जाता, तो पिता का नाम, इसलिए कि कहीं भूल जाए तो बतावे, गांव कहाँ है,
जिला कहाँ है, ये कहाँ है, सबको सिखाया जाता है धीरे। यहाँ पर कुदरा एक टाउन है, तो वहाँ पर मकर संक्रांति को मेला लगता है। एक बार मैं देखा, एक परिवार था, तो अपने छोटे छोटे बच्चों के पैकेट में उनका एड्रेस लिख करके रख दिया कि अगर कहीं भूल गए तो कागज दिखा दे। वो पढ़ते नहीं थे बच्चे, पढ़ना लिखना नहीं जानते, कोई देखेगा और अनाउंस किया जाता था। यदि कोई बच्चा गुमराह हो जाए, भूल जाए, तो उसके कपड़े पर आप लिख दीजिए उसका नाम और अपना नाम, पिताजी को कहा जाता था। एक कुत्ता को भी अगर छोड़ दिया जाए मेला में तो घूम करके अपने घर चला जाएगा, लेकिन मनुष्य का बच्चा सो कुछ भी पता नहीं होता कि मैं किस गांव का हूँ, कौन बाप है, मेरा नाम क्या है। वो तो कुत्ता से भी डल है ना। कुत्ता तो छोड़ करके आ जाता है। एक बार हमारे गांव का एक व्यक्ति कुत्ता ले गया कुदरा स्टेशन पर, और ट्रेन पर चढ़ा करके पुसौली छोड़ा। वो दो तीन दिन के बाद घूम कर आ गया। तो उसको ये ज्ञान था कि हमारा घर इधर पड़ेगा, और जैसे भी हो ट्रेन में भी वो मिला लिया होगा कि इधर जा रहा हूँ, और उतरा तो पूरब जाना है, वो समझ गया। लेकिन मनुष्यों का जब जन्म होता है तो उनको कोई ज्ञान नहीं होता, खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, ऐसे उतार लेते रहते। एक मछली का बच्चा भी जन्म लेता है तो पानी में तैरते हुए तैरता, जन्म से ही उसमें वो गुण है। पक्षी जन्म लेता है, कुछ दिन अंडे में रहता है, अंडा से प्रकट होता है, और इसके बाद उसके पंख हो जाते हैं तो उड़ना जान जाता है। कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लेता कि ऐसे उड़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य ऐसा अज्ञ होता है। लेकिन भगवान का जब जन्म हुआ, जब प्रकट हुए जेल में, जिस दिन, उसी दिन अपने माता पिता का पूर्व स्वरूप बताने लगे कि आप पहले जन्म में सुतपा और कृष्णी थे, इसके बाद कश्यप और अदिति हुए, और इसके बाद वसुदेव और देवकी हुए, और मैं उसी शरीर से तीनों बार आपका पुत्र बना, अपने ओरिजिनल स्वरूप से ही आपका पुत्र बना। कोई बेटा ऐसा जन्म लिया है जो माता पिता के भूतकाल को बतावे और भविष्य काल को? तो कहाँ कहाँ कह करके रोता रहता है। भगवान का सब कुछ दिव्य है। उनका जन्म मथुरा में जन्म लिए, और कथा कहे अपने माता पिता से, देवकी वसुदेव से, उनको समझाए, निर्भय किए कि हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। गोकुल गए भगवान, वहाँ का जो भी मिशन था सब पूरा करके 11 वर्ष में आ गए मथुरा। फिर मथुरा में आए, कृष्ण को मारने के लिए अनेक व्यवस्था थी, सरकारी व्यवस्था राजा के द्वारा। पहले तो एक धोबी को उसने उकसाया था कि रास्ते में कहीं मिले तो उसको मार देना, तो भगवान जानबूझ करके उससे कपड़ा मांगे कि हमको कुछ कपड़ा दे दो, धोया हुआ या नया कपड़ा ले जा रहा था जिसको भगवान पहन सकते थे। भगवान गांव से आए थे और सिटी में प्रवेश किए थे, तो वैसा जीट जाट चाहिए ना, वैसा कपड़ा, ये नहीं कछनी काच करके बस उसमें प्रवेश करें। गाय नहीं चराना था, यहाँ शहर में जाना था। शहर के लोग बड़े सभ्य होते हैं, साफ कपड़ा पहनते हैं, स्वच्छ पहनते हैं। मांगे तो वो क्या कहता है, वो बहुत बदमाश था, ऐसा वस्त्र कभी मुयस्सर हुआ है? देखे थे अभी कैसा वस्त्र? राजधन लूटना चाहते हो?
तुरंत मथुरा से भाग जाओ यदि जान बचाना चाहते हो, नहीं तो राजा को पता लगेगा कि हमारा कपड़ा ये लोग मांग रहे थे तो सीधे फांसी पर चढ़ा देगा। इसी में तुम्हारा कुशल है कि तुम अपने साथियों के साथ, अपने भाई के साथ, बलराम के साथ यहाँ से तुरंत मथुरा से आउट चले जाओ अगर कुशल चाहते हो, नहीं तो राजा बांध लेगा, जान मारेगा। बहुत क्रोध में उसके ओठ फड़क रहे थे, लाल आंखें हो गए थे और बोल रहा था जल्दी भागो। इतना वो कहा तब तक श्री भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से ऐसे अपने अंगुली से मारे उसके गर्दन में, और ये अंगुलियां छुरी से भी तेज हो गई और तुरंत मस्तक कट गया, मस्तक गिरा धड़ाम से, धड़ भी गिरा। और जितने धोबी थे, गधे थे, सब भागे इधर उधर। जब सरदार मारा गया तब तो और लोग थे तो सोचे कि हमको तो क्या करेगा जी, बाप रे बाप, छूछे हाथ थे, हाथ से और तमाचा मार दिया चाहे उंगली से मार दिया, कट गया। सब लोग भाग गए। अब कपड़ा की गठरी कौन देखने जाए, जान बचाने के लिए जिसको जिधर रास्ता मिला उधर भाग गया, सब गठर वहीं फेंक करके। घोड़े भी जो गधे थे वे भी भागे तेज गति से तो उन पर लादा हुआ कपड़ा सब गिर गया। इसके बाद श्री बलराम जी और भगवान चुनने लगे अपने लिए बस। बलराम जी नीला देखने लगे, नया कपड़ा सब, किसी का पहना हुआ नहीं, नीला कपड़ा तो ले लिए। और श्री भगवान पीला कपड़ा लिए, पीताम्बर, और कुछ कह दिए अपने सखाओं को लेने के लिए, जो तुमको पसंद है जैसा पहनते हो उस रंग का कपड़ा ले, क्वालिटी भी देख करके सब ले लिए। और सब छोड़ करके चले गए भगवान, और कपड़े पड़े थे तो उसको छोड़ दिए। हरीशुरी जी कहते हैं कि देखिए भगवान कितने संतोषी हैं, ज़्यादा संग्रह करने की क्या जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ले लो, बाकी छोड़ दो, और लोग भी पहनेंगे दूसरे लोग। वो लोग तो फिर देखने नहीं आए कि कपड़ा क्या हुआ और गधे किधर गए, देखने नहीं, उस स्थान पर भूल करके आ नहीं सकते थे। ये पहला ऐश्वर्य भगवान ने मथुरा में दिखाया। हल्ला हुआ मथुरा के इवनिंग न्यूज में छपा कि एक लड़का आया है ब्रज से, वृंदावन से, ग्वाला गाय चराने वाला, और ऐसा किया था। इसके बाद वो एक दर्जी के पास गए, दर्जी ने उठ करके स्वागत किया, वो भक्त था, कपड़े को देखा और स्वयं ही भगवान को नापा, नाप करके और उसके उनके साइज के अनुसार जो भी बनाना था बना दी। लंबी लंबी धोती थी तो उसको भी काट करके इनके साइज के अनुसार किया। इस तरह दोनों भाइयों का और सखाओं का भी वस्त्र तैयार किए। इसके बाद श्री भगवान देखे कि अब तो वस्त्र मिल गए, अब कुछ माला चाहिए। एक माली के घर गए, वो तो परम भक्त था, सुदामा नाम था उसका, उसने उठ करके स्वागत किया अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और भगवान के चरण कमल को धोया अपने घर बुला करके। चारों ओर सुबासित पुष्प थे तो सबके लिए माला बनाया, सबसे पहले कृष्ण के लिए, बलराम जी के लिए, और इसके बाद भगवान के सखाओं के लिए माला बनाकर तैयार किया, पहनाया, बहुत पूजा किया, अपना भाग्य प्रकट किया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप हमारे घर में आए। तो भगवान वहाँ से माला पहन करके चले। अब भगवान को एक जरूरत पड़ी कि तिलक नहीं किया हूँ, कुछ सुगंधित चंदन चाहिए लगाने के लिए देह में। वो भी फागुन का महीना था, शिवरात्रि आने वाली थी दूसरे दिन, तो गर्मी हो जाती है, तो चंदन चाहने लगे। चंदन किस दुकान से लें, कहाँ से लें, तब तक उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदरी स्त्री
जिसका मुंह बहुत सुंदर था, वो हाथ में अंगराग का पात्र लिए आ रहे थे। उसको देख करके भगवान भीड़ में ही, बहुत भीड़ थी, शाम का समय था, उस स्त्री के आगे होकर के पूछे, हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा गांव कहाँ है, क्या तुम ये चंदन हमको दे सकती हो? भगवान मांगने जैसा कि यदि क्या तुम ये चंदन दे सकती हो, यदि तुम मुझे चंदन दोगी तुम तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। वह स्त्री कंस की दासी थी, चंदन पीसने का उसका काम था, अंगराग बनाती थी। राजा कंस को उसका अंगराग बहुत प्रिय था, यही सेवा थी उसकी। तो यह सुनते ही कि मुझे क्या दे सकती हो, तो वो बोलती है, हे पुरुष भूषण, हे सर्वश्रेष्ठ, हे परम सुंदर, आपके अलावा इस अंगराग का दूसरा अधिकारी कौन हो सकता है? इतना बड़ा त्याग, कंस की सेविका थी, कंस के लिए अंगराग ले जा रहे थे, उसने कहा कि नहीं, इस अंगराग के आप ही पात्र हैं, कोई भय नहीं है, चिंता नहीं है, कंस इसको इस बात को सुन करके मेरा वध कर देगा। वो रिस गई भगवान के सौंदर्य पर, कहा कि मैं देती हूँ, और उसने अंगराग दिया, भगवान के उत्तम अंगों में अंगराग अपने हाथ से लगाया। कृष्ण को नीला अंगराग लगाया, ब्लू नहीं, बलराम जी को, और कृष्ण को पीला अंगराग लगाया, खूब मुख भर दे सब लगाई अंगराग चंदन। तो श्री बलराम जी सांवले लगने लगे और भगवान कृष्ण गोरे लगने लगे, गोरा अंगराग लगाया। एकाएक देखने पर पता नहीं लगता, आदमी यही समझता कि यही कृष्ण है, लेकिन अंगराग तो लगा करके स्वरूप बदल दिया, परंतु कृष्ण जैसे मुस्कुराते हुए चलते थे देखते हुए, बलराम जी ऐसे नहीं चलते, वो धीर गंभीर है। तो स्व वर्ण तक स्वभिनव, सुखदेव जी कहते हैं कि अपने वर्ण से भिन्न वर्ण में वो लोग शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण गोरे लगने लगे और श्री बलराम सांवले लगने लगे। तो भगवान ने सोचा इसके बाद कि इस बेचारी ने अंगराग दिया, इसके पास जो धन था इसने दे दिया, जीवन की भी परवाह नहीं किया, कंस की कोई चिंता नहीं की, इसको सुंदर बनाना चाहिए। तो उसके पीठ पर कुबर था, झुक करके चलती थी। तो भगवान ने अंगराग लेने के बाद कहा, उसने बताया था कि मेरा नाम त्रिवक्रा है, मथुरा में यही नाम त्रिवक्रा, त्रिवक्रा का मतलब है कि तीन जगह से टेढ़ी, यही नाम था, गर्दन के पास टेढ़ी और पीठ के पास टेढ़ी और कमर के पास टेढ़ी, त्रिवक्रा, वक्र मतलब टेढ़ा, ये कोई नाम है, तिरस्कार में कहा जाता था, सब लोग यही नाम रखे थे। मान लीजिए कोई थोड़ा लंगड़ करके चले तो उसको नाम रख दिया जाए लंगड़ा, तो कितना बुरा बात है। तो वो इस तरह से तीन जगह से टेढ़ी थी, तो कहे कि हमको लोग त्रिवक्रा कहते हैं, और मेरा अंगराग राजा कंस को बहुत प्रिय है, तो मैं उसके लिए ले जा रहे हैं, लेकिन आपके अलावा दूसरा कोई पात्र नहीं है, तो अंगराग दे दिया। इस तरह से जब कुब्जा ने अंगराग दे दिया, तो भगवान इसका बदला देने के लिए तैयार हो गए, तो एक साधारण बदला, असली बदला तो यह है कि वे उसको अपना अपनी प्रिया बनाएंगे, लेकिन वे आगे खड़े हुए, सब लोग देख रहे थे, श्री बलराम जी और सारे सखा मथुरा के सब लोग घेरे हुए देखे थे। कृष्ण इतने तेजस्वी थे, इतने सुंदर हैं कि उनको देखने के लिए सब लोग उमड़े रहते थे। सबके बीच में वे कहे कि इधर खड़ा हो,
कुब्जा को खड़ा किए और अपने दोनों पैरों से उसके पैर को दबाए, अपने दोनों चरण रखे कुब्जा के चरण पर और एक बायां हाथ ऐसे पीछे किए और दाहिने हाथ के दो अंगुली को उसके चिबुक पर लगाए यहाँ, और सबके देखते देखते उन्होंने खींचा और खींचते ही वो लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गए। ये घटना हुई मथुरा में। बताइए इस लड़के के प्रति कितना प्रचार हुआ। एक ऐसा थेरेपिस्ट आया है जो छू करके और उस कुब्जा को बिल्कुल सीधा कर दिया और परम सुंदरी कुबर सुबर कहाँ चला गया, निशान ही नहीं था, कुछ भी नहीं। ऐसे भगवान और कोई सामान नहीं लाए थे कि मालिश करें, ये करें, वो करें, किसी यंत्र से टाइट करें, कहें कि यहाँ आ जाना, एक्सरसाइज होता है और वहाँ पर धीरे धीरे लंबी हो जाओगी। कितने लोगों को लोग कहते हैं कि आप यहाँ आएंगे तो पतले हो जाएंगे, अगर ठिगने हैं तो थोड़ा बढ़ जाएंगे। कभी कभी वो लोग मशीन से भी थोड़ा थोड़ा खींचते हैं, हल्का, ऐसा नहीं खींचते हैं कि बीच में से शरीर ही उभर जाए, मर जाए और ये खड़ा हो ये हो, तब भी कोई खास परिवर्तन नहीं होता। एक फायदा होता है उनको, उनको फीस मिलती है, लेकिन जिस जो व्यायाम करने गया है वो तो उसको कोई खास फायदा नहीं होता। कीर्तन में फानिए देखिए कितना फायदा होता है। तो एक लड़का वृंदावन से आया, रास्ता चलते चलते इतना बड़ा काम किया। आप जरा अनुमान कीजिए मथुरा के न्यूज़पेपर में सवेरे कितना प्रथम हेडलाइन में छपा होगा। इतना बड़ा चमत्कार आज के युग में कोई कर दे तो सारा न्यूज़पेपर, सारा टीवी, चारों तरफ यही बात होगी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यह करामात किया, यह करामात किया। तो भगवान के विषय में क्या क्या प्रचार हुआ होगा, कितना विलक्षण व्यक्ति हैं भगवान कृष्ण। रास्ता चलते चलते केवल थोड़ा सा उपाय, थोड़ा खींच दे बस, परम सुंदर होगा। और खींचते समय कोई दर्द नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि खींचने पर आह कहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, दर्द बिल्कुल नहीं हुआ, वो ठीक हो। हम एक बार गए थे यहाँ, कौन गांव है, डिहरा कुदरा से उत्तर पूर्व, तो कई लोग आते थे, कोई हाथ बांध करके आए कोई गूंज आए है, किसी का सिर ही मुड़ गया है, कुछ ऐसे लोग। हम भी गए थे कबड्डी खेलने में थोड़े से बाह में दर्द हो गए, तो बड़ा वो मजाक करते थे। जब हाथ पकड़े हमारा तो बहुत बात बोले, और इसके बाद वो इसलिए बोल रहे थे कि हम ध्यान ना दें और वो बाह को सीधा करना चाहते थे। एक बाह को पकड़ा और बोला चढ़ से बोला यार, मैं तो करने लगा, और दूसरे लोगों को भी देखता था आह यार करने लगते थे, जा वो कहा जा हल्दी के पत्ते पीस के चढ़ा दे, नहीं हल्दी के पत्ते ना, इमली के पत्ते और प्याज। तो मैं कहा नहीं प्याज तो मैं नहीं चढ़ाऊंगा, ये ठीक है इमली का पत्ता पीस करके चढ़ा, ठीक हो गया। लेकिन जो मारने में दर्द हुआ पर कुब्जा को कोई दर्द नहीं, तो आनंद घन भगवान कृष्ण ने छुआ होगा तो और सौ गुना आनंद बढ़ गया होगा उनको छूने, दर्द कैसे हो सकता है। इस तरह भगवान ने उसको समझा किया। तो भगवान कर्म करते हैं, उनके कर्म दिव्य हैं, जन्म दिव्य हैं, लीलाएं सब दिव्य हैं, शरीर दिव्य है, और वास्तव में वे नराकार हैं,
नर के आकार के हैं, निराकार नहीं। ऐसा लगता है कि न पर हर्ष इकार चढ़ा दिया कुछ लोगों ने, निराकार, जबकि वे नराकार हैं। नर बपुताहर स्वरूप नर के रूप में है, यही उनका स्वरूप। भगवान इसी एक मनुष्य के रूप में रहते हैं, उनका अपना रूप है। मनुष्य को कहा जाए कि भगवान के रूप में इसकी बनावट हुई है तो ये ठीक है, भगवान मनुष्य के रूप में है ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान के रूप में मनुष्य की रचना हुई है। मैन वॉज मेड इन इमेज ऑफ गॉड, ये बाइबिल में लिखा हुआ, मनुष्य बनाया गया भगवान के सांचे में, भगवान का यही आकार है। आकार यह है लेकिन वे अनंत गुना सुंदर हैं, बलवान हैं, विद्वान हैं, धनी हैं। ये अंतर है दूसरे जीवों में और उनमें, सब तरह से परिपूर्ण है। तो उद्धव जी जो ये कह रहे हैं कि न उनका जन्म है न कर्म है, फिर भी वे अवतार लेते हैं, आते हैं सद जोनी में असद जोनी में।